वाराणसी एक ऐतिहासिक शहर, वाराणसी शिव भक्तों का शहर, वाराणसी माँ गंगा का शहर, जहाँ के लोगों का कोई भी काम बिना हर हर महादेव के शुरू नहीं होता। उस शहर को 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद से एक चुनावी अखाड़ा भी कहा जा रहा है। इस बात का सबूत है पीएम मोदी जी का दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ना। अभी हाल ही में बीजेपी ने अपने 184 सीट्स पर कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया है और बताया है कि पीएम मोदी बनारस से तो राजनाथ सिंह लखनऊ से खड़े होंगे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से बनारस सीट पर प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। वैसे अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत काफ़ी ज़ोरदार की है और कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने की कोशिश भी की है। अपने कैंपेन में उन्होंने लोगों से जुड़े मुद्दे उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर तो ला दिया है। इस बात को रखते हुए हमें यहाँ पर एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए और वो ये है कि पीएम मोदी ने अब तक काफ़ी कम चुनावी रैलियाँ की हैं और बनारस के लोगों के बीच में मोदी की एक अलग ही जगह है और ऐसे में किसी भी अन्य पार्टी का इस सीट से जीतना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। अगर यहां से प्रियंका गांधी चुनाव के लिए खड़ी होती हैं तो देखना ये खास होगा कि हम भी चौकीदार और चौकीदार चोर है में से कौन जीतेगा, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में से जीत किसकी होगी। और चुनावी नतीजे आने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि बनारस की जनता किसको अपना वर्ल्ड फेमस पान खिलाकर सांसद चुनना चाहती है। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि मोदी और प्रियंका में से आप प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहते हैं और क्या अगर प्रियंका गांधी मोदी के खिलाफ बनारस से खड़ी होती हैं तो जीत पाएंगी। SBN 9 न्यूज़ से अनुश्रुति की रिपोर्ट।